मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिले। आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। पैसा ही पैसा होगा। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? दाब, दाब लगा। बाप, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र। मैं आज यहाँ के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहूंगा। करो, करो, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1,25,000 करोड़ रुपये का पैकेज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया, क्या बोले थे भाई बहनों? भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या? क्या बात है, 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभिनय अभियान चलाया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे। सजन रे छोट मत बोलो। हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया, इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोई तरीका है भीख मांगने का? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए, एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। किसान सड़कों पर आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं। लेकिन मीडिया मुंबई की सड़कों पर
ड्रग्स तलाशता घूम रहा है। पिस कौन रहा है? वो है किसान। सरकार कह रही है किसान के फायदे में है, किसान के हक में है, क्रांतिकारी कदम है। किसान कह रहे हैं भैया हमें नहीं चाहिए ये। वो सड़कों पर उतरे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, खास हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी अब इसकी आग दिख रही है, इस आंदोलन की। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ। इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भाइयों बहनों, गरीब की मदद कैसे हो? हमने निर्णय किया और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है मेरे नौजवानों, ये भारत सरकार ने निर्णय किया है, अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया नहीं है। हमने निर्णय किया कि वर्ग 3 और 4 के जो कर्मचारी की नौकरी है अब उसका इंटरव्यू बंद कर दिया जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, उसके मेरिट के आधार पर उसको घर बैठे नौकरी मिल जाएगी, कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार करने के मौका नहीं। आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा नहीं पूरा किया। 15 लाख, 15 लाख सबको, आप लोग बैठे हुए हम लोग सबको, 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। आप मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि 29,000 लालू का है। मैंने क्या भाई 2,900 रुपया देना रे भाई ने कहा। 15 लाख जमा करेंगे। बटन दबता था वहां से फोन में, अच्छे जी 15 लाख, लड़का लड़की, मम्मी पापा जी। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।